एवरीवन, वेलकम टू मीरू किचन। आज मैं आप सभी को चावल की रोटी कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ, जो कि एकदम सॉफ्ट एंड टेस्टी बनने वाली है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो गैस पर आप कोई भी कढ़ाई रखें और उसमें एक कप पानी डालें। फिर आप उसमें आधा चम्मच नमक डालें और 2 चम्मच ऑयल डालें। पानी उबलने लगे तो आप उसमें 1 कप चावल का आटा डालें और उसे आप लगातार चलाते रहे इस तरह से। ये अच्छे से मिक्स हो जाने पर आप उसमें 1 कप आटा और डालें और इसे भी आप लगातार मिक्स करते रहें। ये देखिए, अच्छे से मिक्स होने के बाद आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। फिर आप उसे एक प्लेट में डाल लें और अपने हाथों से आप इस तरह से गून लें और पानी को आप थोड़ा थोड़ा डालकर उसे आप गूनते रहें। तो अब आप देखिए, ये अच्छे से गून चुका है। तो आप ध्यान दें, आटा स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, जो हमारा आटा है वो एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। फिर उसकी हम इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लेंगे। फिर उस पर आप सूखा आटा लगाकर उसे आप गोल शेप में बेल लें। फिर आप उसे गरम तवा पर डाल दें और उसे आप आधा मिनट के लिए पकाएं मीडियम फ्लेम पर। फिर उसे आप पलट लें और दूसरे साइड आप उसे थोड़ा ज़्यादा पकाएं, यानी कि आप थोड़ा 1 मिनट तक के लिए उसे पकाएं। फिर आप तवा हटाकर उसे डायरेक्ट आप गैस पर इस तरह से सेक लें। तो ये देखिए, आप अच्छे से फूल चुका है। आप देख सकते हैं, जो हमारी चावल की रोटी है वो बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि एकदम सॉफ्ट एंड नर्म है। तो इसे आप कोई भी सब्जी के साथ सर्व करें। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह और अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।